हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी होने वाली है एक ऐसी 10th क्लास की लड़की की जो कि गलती से प्रेग्नेंट हो गई है। अब वो बदनामी के लिए बहुत ही डर रही होती है और एबॉर्शन भी नहीं कराना चाह रही होती। ऐसे में उसके साथ क्या क्या होगा, ये सब आपको इसी ड्रामे में पता चलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होती है, हमें इस ड्रामे के लीड फीमेल कैरेक्टर फा को दिखाया जाता है जिसको शक होता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसलिए वो प्रेगनेंसी किट का यूज करती है जिसमें ये पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी भी उसे शक होता है क्योंकि सिर्फ दो ही रेड लाइन बनी होती है। तभी वो इस रेड लाइन को देखकर उस पल को याद करती है जब वो उस लड़के के साथ एंटीमेट हुई थी। अब प्रेजेंट में ये टेंशन उसे जीने नहीं दे रही होती, इसलिए वो गूगल पर एबॉर्शन के तरीके सर्च करने बैठ जाती है, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं होता। इसलिए वो रोते हुए लैपटॉप को बंद करके स्कूल चली जाती है। तभी उसे मैक मिलता है जो फा को बहुत दिनों से डिस्टर्ब सा महसूस कर रहा था। इसलिए वो फा से कहता है कि वो क्यों इतनी टेंशन में है, लेकिन फा उसे कुछ भी नहीं बताती। वैसे ये वही लड़का होता है जिसके साथ फा एंटीमेट हुई थी, लेकिन वो ये बात मैक को बताना नहीं चाहती थी और इसीलिए उसके पास से चली जाती है। अब फा अपने फ्रेंड मोट के पास जाकर बैठ जाती है, तब वो भी उसे पूछने लगती है, लेकिन फा उसे भी कुछ बताना नहीं चाह रही होती। तभी फा को वॉमिट होने लगती है, इसलिए वो बाथरूम में जाकर वॉमिट करती है। तभी मोट भी उसके पीछे आती है और कहती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। मोट की ये बात फा को और भी डरा देती है, फिर भी फा झूठ बोल जाती है। फिर मोट कह देती है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे एबॉर्शन करा लेना चाहिए वरना फ्यूचर में उसकी बहुत ही इंसल्ट होगी। कुछ दिनों पहले एक 16 साल की लड़की प्रेग्नेंट होकर अपनी जिंदगी को खराब कर ली थी, इसलिए फा को ऐसा नहीं करना चाहिए। फा को उसकी ये बातें और भी डरा देती है, इसलिए वो बाथरूम से बाहर चली आती है। वैसे इन दोनों फ्रेंड की बात बाथरूम में आई एक लड़की सुन लेती है। खैर, क्लासरूम में जाते वक्त अगेन मेक से फा टकरा जाती है। तभी वो फा से पूछने लगता है कि वो ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, लेकिन फा उसे इग्नोर करके क्लासरूम में चली जाती है। अब शाम होने के बाद वो घर जाती है, तब फिर से गूगल पर सर्च करने लगती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड और एबॉर्शन से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। इस बीच में कई सारे कॉल और मैसेज फा को करता है, लेकिन फा उसकी कॉल को रिसीव नहीं करती और न ही मैसेज का रिप्लाई देती है। तभी फा को गूगल पर पता चलता है कि प्रेगनेंसी के पॉजिटिव होने के चांस तब तक कम रहते हैं जब तक कि 3-4 बार चेक न कर लिया जाए। ये पढ़कर फा को थोड़ी सी उम्मीद मिलती है कि शायद वो प्रेग्नेंट नहीं है। इसलिए फा फेस को हाइड करके मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाती है जहां पर प्रेगनेंसी किट मांगती है। तब वो स्टोर वाला पूछता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, जिस पर फा इनकार कर देती है, कहती है कि उसकी बहन की फ्रेंड प्रेग्नेंट है इसलिए वो ले रही है, लेकिन वो बंदा कहता है कि झूठ मत बोलो। लेकिन फा अपने झूठ को इतने बार बोलती है कि उसे भी ये बातें सच लगने लगती है। खैर, कहता है कि अपनी फ्रेंड से कहना थोड़ा सिक्योर होकर मैदान में जम किया करे। ये सब कहकर फा को प्रेगनेंसी किट दे देता है। अब फा घर आकर जाने कितनी बार चेकअप कर डालती है, लेकिन हर रिपोर्ट पॉजिटिव होती है, इसलिए 100% वो श्योर हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस वजह से वो बहुत ही परेशान होती है और रोते वे मोट को कॉल करती है, कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर मोट कहती है कि वो जल्दी से एबॉर्शन करा ले वरना टाइम अगर गुजर गया तो ये भी नहीं करा सकेगी, जिस पर फा रोने लगती है। ये देखकर मोट उसके घर आ जाती है और उसे समझाती है कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, बस वक्त पर फैसला ले लेना चाहिए वरना आगे बहुत ही मुश्किल होगी। तभी फा की माँ इन लोगों को डिनर के लिए ले जाती है, जहाँ पर फा के पेरेंट्स अपनी बेटी की बहुत ही तारीफ कर रहे होते हैं, कहते हैं कि उनकी बेटी एक दिन उनका नाम रोशन जरूर करेगी। ये बात सुनकर फा और भी रो पड़ती है। वो खाने के टेबल से उठकर अपने रूम में चली जाती है। खैर, अगले दिन इन लोग स्कूल जाते हैं, जहां पर फा अपनी मैम को देखती है जो कि प्रेग्नेंट थी। उनको देखकर वो डर जाती है, सोचने लगती है कि कल के वो भी ऐसे ही बेबी बम के साथ स्कूल में घूमेगी और सारे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। एक पल के लिए उसे ख्याल भी आता है कि वो क्लास में बैठी है, सब उसके पेट को देखकर मजाक उड़ा रहे हैं। ये सब सोचकर वो और भी परेशान हो जाती है। अगले दिन वो एबॉर्शन कराने के लिए उस
हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहां का एड्रेस उस बंदे ने दिया था जो कि स्टोर पर बैठा था। वहां जाकर फा देखती है कि बहुत सारे गर्ल्स अपने पेरेंट्स के साथ आई हैं, क्योंकि उन लोगों को भी एबॉर्शन कराना होता है। उसी में एक लेडी ऐसी भी होती है जो खुद एबॉर्शन कराने आई होती है, लेकिन सारे ही लोगों को ज्ञान दे रही होती है कि ऐसा कराना पाप है। खैर, ये सब होने के बाद फा डॉक्टर के पास जाती है, जहां पर ये बताया जाता है कि पेशेंट के साथ अगर उसके घर वाले ना हो तब वो एबॉर्शन नहीं करेंगे। घर वालों का होना बहुत ही जरूरी है। अफवाह कैसे किसी को अपने साथ ला सकती थी, उसने तो ये बात अपने घर क्या खुद से भी छिपाई होती है। इसलिए वो हॉस्पिटल से चली आती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तब मोट को सारी बातें बताने लगती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी मोट कहती है कि उसे रोने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसे खाकर घर पर भी एबॉर्शन हो जाएगा। मोट की ये बातें फा को थोड़ा सा सुकून देती है। तभी मैक यहाँ पर आ जाता है। अब वो भी पूछने लगता है कि तुम दोनों क्या बात कर रही थी, लेकिन फा उसे बातों में बहलाकर उसके पास से चली जाती है। मैक फा को पुकारता रहता है। अब घर आकर मोट फा को वो एबॉर्शन वाली टेबलेट देती है, जिससे कि उसकी टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन फा उस टेबलेट को मुंह में रख कर पास्ट में चली जाती है, जब वो मैक के साथ एंटीमेट हुई थी। जब मैक ने उससे कहा था कि वो उससे बहुत ही प्यार करता है और कुछ भी हो जाए वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फिर फा ये भी याद करती है कि फा के पेरेंट्स जब उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तब उन लोगों ने कहा था कि उनको एक और बच्चा चाहिए, जिससे कि वो हर साल में दो बार बर्थडे को सेलिब्रेट कर सके। ये सब सोचते हुए फा प्रेजेंट में आती है और टैबलेट को उगल देती है और मोट से कह देती है कि ये सब वो नहीं कर सकती है। ये कहकर वॉशरूम में जाकर वॉमिट करने लगती है। अब अगली सुबह फा अपने पैरेंट के सामने प्रेगनेंसी किट को रखते हुए उनके रिएक्शन को देखने लगती है, लेकिन उसके पैरेंट समझते हैं कि ये उसके स्कूल का प्रोजेक्ट होगा। लेकिन फा ये बात क्लियर कर देती है कि ये उसकी रिपोर्ट है, जिसे देखकर फा के फादर तो फौरन ही चले जाते हैं और मॉम भी उनके पीछे चले जाते हैं। अब फा उनके पास जाकर रोती है, तब फा की मॉम उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। तभी फा को होश आता है। तब हमें पता चलता है कि ये सब तो वो इमेजिन कर रही थी। किट लाई तो होती है दिखाने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं होती। ये सब सोचकर वो वापस डर कर चली जाती है। अगले दिन स्कूल में मोट से मिलकर कहती है कि अब ये मैक को बताना ही पड़ेगा, जिस पर मोट भी एग्री होती है और कहती है कि आगे जो कुछ भी होगा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब फा मैक के पास जाती है और उससे कहती है कि शादी के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो उसके साथ फ्यूचर प्लान कर सकती है। जिस पर मैक इनकार कर देता है, कहता है कि वो अभी फ्यूचर को लेकर कोई भी प्लान नहीं बनाया है और ना ही अपनी मॉम से ऐसी कोई बात कह सकता है। मैक की ये बात सुनकर फा उसके पास से चली जाती है और मोड उसे पूछने लगती है कि मैक की उससे क्या बात हुई। जिस पर फा कह देती है कि वो अभी फ्यूचर के बारे में कोई भी बात नहीं सोच रहा और वो अपनी माँ से भी बहुत ज्यादा डरता है, इसीलिए हमने प्रेगनेंसी की बात भी उसको नहीं बताई। अफवाह कहती है कि वो अपने बच्चे का ख्याल खुद ही कर लेगी, लेकिन ये सब फा के लिए इतना आसान कहाँ है। खैर, अगली सुबह फा के पेरेंट्स अपने ऑफिस चले जाते हैं। तब फा उन लोगों के जाने के बाद हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर नर्से अपने हालात को बताने लगती है, कहने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। फा की ये बात सुनकर नर्स को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं सारे ही पेशेंट को अगर बताने लगी तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। तभी नर्स के पास एक बच्चा आता है, वो उससे भी चीखने लगती है। ये देखकर फा बिना कोई चेकअप कराए हॉस्पिटल से चली आती है। अब घर आने के बाद मैक उसके पास कॉल आती है। मैक कहता है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर फा उसको अपने घर पर बुला लेती है, जहाँ पर मैक और फा की काफी बात होती है। मैक फा से माफी मांगता है और कहता है वो अभी तो नहीं लेकिन थोड़े वक्त के बाद अपनी मॉम को इस रिलेशनशिप के बारे में सारी बातें बता देगा, फिर एक दिन उन दोनों की शादी हो जाएगी। फा अभी से मैक से बात ना करके क्यों उसको सजा दे रही है। उसकी ये बात सुनकर फा रोने लगती है, कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। फा की ये बात सुनकर मैक शॉक हो जाता है, वो उसे देखने लगता है और तभी इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।